फ्रिज की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़। इतना हिंड्रेंस होता है एक वीडियो बनाने के लिए, इतना हिंड्रेंस कि पूछो मत। हे गाइस, व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो यार, एक चीज़ तो आपने भी देखी होगी कि भले ही पैंडमिक क्यों नहीं चल रहा हो, लेकिन फ़ोन ज़ोरों शोरों से लॉन्च हुए हैं इस 2020 के अंदर। हाँ, वो बात अलग है कि हमें एज सच कोई रिवॉल्यूशनरी फ़ोन नहीं देखने को मिला है। ऐसा कोई फ़ोन नहीं था जिसने पूरा मार्केट हिला के रख दिया हो। सीरियसली, अभी भी 2020 ख़त्म होने में 1.5-2 महीना बाकी है। क्या पता रेडमी अपनी रेडमी नोट 10 सीरीज़ में कोई रिवॉल्यूशनरी चीज़ कर दे। आई मीन ऑनेस्टली बोलो ना, अभी तक तो इतना निकल के आ चुका है कि सबसे चीपेस्ट 5G फ़ोन रेडमी नोट 10 सीरीज़ के होने वाले हैं। बाकी एग्जैक्टली किस प्राइस में ये स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, और क्या आप लोगों को इन फ़ोन का एक्चुअल में वेट करना चाहिए या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि चाइना में ना अभी 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं रेडमी नोट 9 5G सीरीज़ के अंदर। यहाँ पर ये इंडिया वाले Redmi Note 9 नहीं है, ऑल टुगेदर एक नई सीरीज़ के फ़ोन बेसिकली वहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं। अभी आप में से सोच रहे होंगे कुछ लोग कि यार ये चाइना की इन्फो मैंने आप लोगों को क्यों दी। बेसिकली इसलिए दी है क्योंकि थैंकफुली यही दोनों स्मार्टफोन इंडिया में Redmi Note 10 एंड Redmi Note 10 Pro बन के आने वाले हैं। तो बेसिकली अभी टेना की सर्टिफिकेशन साइट पर ये स्मार्टफोन लिस्ट हुए हैं, वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन पता लगी है। तो सबसे पहले तो बता देती हूँ कि Redmi Note 10 की डिस्प्ले में आपको एज सच कोई खास अपग्रेड नहीं देखने को मिलेगा Redmi Note 9 या फिर Redmi Note 9 Pro के कंपैरिजन में। वही 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD पैनल होने वाला है। कोई हायर रिफ्रेश रेट भी नहीं देखने को मिलेगा, एज इट इज़ है। अगर अपग्रेड किसी में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो Redmi Note 10 Pro होगा। यहाँ पर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलने वाला है, और अपग्रेड के नाम पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल हमें देखने को मिलेगा। अगर आप में से कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार Redmi Note 10 सीरीज़ के अंदर इस बार हमें AMOLED पैनल देखने को मिलेगा, देन सॉरी टू से, इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, क्या Redmi Note 10 सीरीज़ में हमें AMOLED पैनल मिलना चाहिए था, या आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बाकी यार आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें से 60-70% लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। ये मैं अपने स्टैट्स देख के आप लोगों को बता रही हूँ। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की अलग अलग वैरायटी की वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती है। बोला था मैंने, जब भी किसी को डिस्टर्ब करना होता है यही टाइम होता है, बस किरण वीडियो बनाए और मच्छरों को भी मंडराना है, ट्रैफिक भी अभी होना है सुनसान गली में भी। आई हेट इट। बाय द वे, अभी स्कूटर की आवाज़ थी बाहर से। एनीवेज यार, एक चीज़ है कि ये जो Redmi Note 10 है ना, इसमें ऐसा तो कुछ खास अपग्रेडेशन मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ बहुत ही सॉलिड होने वाली है, वो ये कि ये सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होगा, और सबसे पहली बार इंडिया में हमें डायमेंसिटी चिपसेट देखने को मिलने वाला है Redmi Note 10 में। डायमेंसिटी U800U चिपसेट, ये एक 5G प्रोसेसर है बेसिकली, और पहली बार हमें Redmi के स्मार्टफोन में डायमेंसिटी देखने को मिल रहा है। Realme भी कर सकता है, Realme का तो आपको पता ही है ना, कभी भी कोई भी स्मार्टफोन सबसे पहले लाके बोल देते हैं फर्स्ट एवर स्मार्टफोन, बट खैर चलो वो तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना कंफर्म हो चुका है जो कुछ निकल गया है उससे कि Redmi का Note 10 Dimensity 800U 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला है। इनफैक्ट जो Redmi Note 10 Pro है ये भी एक 5G स्मार्टफोन होगा, स्नैपड्रैगन 750G 5G चिपसेट के साथ आएगा, और मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों स्मार्टफोन मार्केट में ट्रेंड सेट कर देंगे, जहां पर हमें अंडर 20,000 5G देखने को मिल रहा है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि यार इंडिया में अभी तक 5G आया भी नहीं है, उससे पहले लोगों के पास 5G स्मार्टफोन्स होंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सही चीज होने वाली है। बाकी देखो ऑनेस्टली बोलूं तो ये जो Redmi Note 10 है स्पेशली, ये मुझे इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा है अभी तक जो कुछ निकल के आया उसके अकॉर्डिंग। वही सारी पुरानी चीजें रिपीट करके दी जा रही है, सिवाय
5G चिपसेट के। तो हाँ, आई मीन कैमरा सेटअप के बारे में अगर बात करें तो 48 मेगापिक्सल का अगेन क्वाड कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलेगा, 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा होने वाला है। डिज़ाइन वाइज भी देखो ना तो पोको X3 मीट एंड लाइट का जो डिज़ाइन है कैमरा मॉड्यूल कुछ उसी तरह का लग रहा है। तो कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए था, आफ्टर ऑल रेडमी नोट 10 सीरीज़ है यार, तो वो एक चीज़ है। बट हाँ, एक चीज़ माननी पड़ेगी कि जो रेडमी नोट 10 प्रो है, ये जो प्रो वाला वेरिएंट है ना, ये काफ़ी एक्साइटिंग है। पहली बार हमें बजट प्राइस में और इस नोट सीरीज़ के अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलने वाला है इस रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर, जो कि बहुत ही सॉलिड चीज़ है, अभी तक नहीं करा है किसी भी कंपनी ने। लेकिन यार मैं ये भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर मतलब 108 मेगापिक्सल कैमरा लगाने के बाद इसको किस तरह से कंपनी ऑप्टिमाइज़ करेगी, कैसा ये एक्चुअली में रियल लाइफ में परफॉर्मेंस ला के देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बट हाँ, जैसे फ़ोन परचेस करूँगी तो ऑब्वियसली मैं भी आप लोगों को बताऊँगी जब आ जाएगा हाथ में। तो लेकिन इस तरह की चीज़ें ना, मतलब फ़ोन से रिलेटेड अपडेट्स या फिर कैमरा कंपैरिजन वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी अपडेट करती रहती हूँ, तो इनकेस नहीं फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हो। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब भी आप कभी फ़ोन लेने जाते हो तो आप ये बड़ा बड़ा मेगापिक्सल कंसिडर करते हो, 64, 48, 108, या फिर आप लोग वाकई YouTube पर आके रिव्यूज देख के फोन परचेज करते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बट खैर, जहां तक बात रही फोन की बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में, तो यहां पर इतना कुछ खास एक्साइटिंग है नहीं, मतलब जैसा पहले चला हुआ आ रहा था ऑलमोस्ट उसी तरह का है। Redmi Note 10 Pro में निकल के आया है कि 4720 mAh की बैटरी होने वाली है विद 33 W फास्ट चार्जर, और जो Redmi Note 10 है उसके अंदर 4900 mAh की बैटरी होने वाली है विद 22.5 W फास्ट चार्जर। देखो, ये जो बैटरी डिपार्टमेंट है ना, आई मीन अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, ऐसा ही पहले मिल रहा था, ऐसा ही अभी मिलने वाला है, तो कोई अपग्रेड नहीं है, कोई डाउनग्रेड नहीं है, सही है। लेकिन यार अगर कंपटीशन को देखा जाए, स्पेशली रेडमी का जो कंपटीशन है रियलमी, वहाँ पर अगर देखा जाए तो वो 15,000 की प्राइस में 65 W का फास्ट चार्जर दे रहे हैं यार, जो कि बहुत ही किलर, आई मीन 36-37 मिनट में फ़ोन चार्ज कर देता है, बताओ कितना फास्ट होता है ये सारी चीज़ें। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आपको चाहिए था, आई मीन आपको ये 65 W का फास्ट चार्जर वाकई में जरूरत है या 33 W से काम चला लोगे, ये भी मुझे जरूर से बता देना। बट खैर, जो भी है, अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे पर। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो Redmi Note 10 एंड Redmi Note 10 Pro है वो चाइना में Redmi Note 9 5G सीरीज के अंडर लॉन्च होंगे और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं कुछ 10-15 दिनों में लॉन्च हो जाएंगे, मतलब कि नवंबर के मंथ में चाइना में लॉन्च हो रहे हैं, तो हमें इंडिया में दिसंबर के मंथ में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। अभी हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि दिसंबर के मिड तक लॉन्च हो जाएंगे या फिर दिसंबर की एंडिंग तक ये स्मार्टफोन हमें लॉन्च देखने को मिलेंगे। जहाँ तक बात रही प्राइसिंग की, तो Redmi Note 10 का प्राइस चाइना में निकल के आया 1000 yuan, मतलब कि 11,500 के आसपास। इंडिया में आते आते फ़ोन आराम से 14-15 हज़ार तक की प्राइस में हमें देखने को मिलेगा। आई मीन इससे सस्ता आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता 14,000 के लो प्राइस आएगा, 14,000 या 15,000 के आसपास आएगा। इसके अलावा जो Redmi Note 10 Pro है उसका प्राइस निकल गया है चाइना में 1500 yuan, यानी कि 16,500 करीब। इंडिया में आते आते इसका प्राइस भी 18,000 से 20,000 तक की प्राइस में हमें देखने को मिलेगा। तो हाँ, दोनों फ़ोन 15,000 to 20,000 की प्राइस में हमें देखने को मिलने वाले हैं। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे Redmi Note 10 सीरीज़ में और क्या प्राइस आप लोगों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, या आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।